सागर में साहू समाज के ट्रस्ट की कमान हाथों में लेने को लेकर समाज के दो गुटों के बीच जारी आपसी खींचतान, अंदरूनी कलह फिर समाज की चार दीवारी से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई, जहां बीते दिन संदीप साहू नामक युवक पर सामाजिक विवाद पर पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया सहित 5 लोगों के द्वारा प्राणघातक हमला करने का आरोप लगा है, जहां मामले में विवाद के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जगन्नाथ गुरैया, शुभम साहू, नितिन साहू पर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। ताजा विवाद को लेकर पीड़ित युवक और समाज के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व अध्यक्ष पर एक बार फिर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीते दिन हुए विवाद के मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने रखा और ऐसे व्यक्ति को भाजपा से निष्कासित करने की मांग रखी, तो वहीं न्याय नहीं मिलने पर आमरण, अनशन, चक्का जाम जैसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी और पूर्व अध्यक्ष पर समाज की संपत्ति पर एकाधिकार कर दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। वहीं इस मामले में अपने ऊपर लग रहे आरोपों को पूर्व अध्यक्ष सिरे से खारिज कर रहे हैं और उनके भाजपा में बतौर पदाधिकारी होने पर समाज के ही कुछ लोगों द्वारा सामाजिक विवाद को तूल देते हुए जबरन उन्हें बदनाम कर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। उन्होंने संदीप साहू के साथ मारपीट के मामले में अपना पक्ष रखा, तो वहीं समाज की बतौर अध्यक्ष उनके पास कमान होने पर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार उनके ऊपर सिद्ध होने पर किसी भी सजा को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचित तरीके से समाज के ट्रस्ट की कमान समाज के लोगों के हाथों में हो, इसके लिए वह भी तैयार हैं, पर इस पर जबरन विवाद बना मामले में एक गुट समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। बहरहाल ताजा विवाद के बाद साहू समाज का आपसी विवाद भी सुर्खियों में आ गया है, जिसमें समाज की एकता रूपी ताना बाना बिखरा बिखरा नजर आ रहा है और अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है देखना लाजमी होगा। उल्टे तो मेरी उंगली तक खोलने की वो कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं सूझी हुई अभी भी, इतने तरीके से मार रहे थे वो, तो ये लोग आ गए तो हम बच गए ना, आज मुश्किल हम आप लोगों के सामने बैठे। उसके बाद भी पुलिस ने कोई ऐसी छोटी मोटी धारा लगा के प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनता है तो हम लोग या तो तीन मड़िया पे चक्का जाम और आमरण अनशन का प्रस्ताव है। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, किसके दबाव में है? राजनीतिक चूंकि स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। पिछले 2019 में एक हमारे साहू समाज ट्रस्ट है जिसका मैं अध्यक्ष था, 2019 में लोगों ने फर्जी तरीके से एक नया ट्रस्ट का गठन कर लिया। हमारे ट्रस्ट का कार्यकाल फरवरी 2023 में ख़त्म होना था, क्योंकि 2019 में मान लो इन्हें कर भी लिया तब भी इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना था। वहीं दूसरी ओर SDM कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि दोनों ट्रस्टों को भंग करके नए सिरे से चुनाव किए जाएँ, लेकिन भाई लोगों ने नए चुनाव तो ना करा कर और भाई कोर्ट की शरण ले ली, एक कोर्ट ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते सही तरीके से। जैसे कि आपने बताया था कि आप बैठ के भी बात करना चाह रहे थे उनसे, वो करने के लिए तैयार नहीं हो, क्या निकल के आ रहा था? मैंने दसों क्या पचासों बार बल्कि इन लोगों से प्रयास किया है कि भैया ये समाज का मामला है, बैठ कर निपटता है, ना कि कोर्ट कचहरी से ना नेताओं की शरण से। हम बार बार कहते हैं कि आप बैठें, जो अच्छा लगे वो करें। हम तो कहते हैं कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव होना चाहिए, नए सिरे से समिति का ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। अब जो युवा मंडल है जो हमारा 1995 से गठित है, रजिस्टर्ड है, वह अब जब युवा मंडल काम करने लगा तो उस युवा मंडल के काम में भी इनको दिक्कत हो रही। युवा मंडल ने जब शादी सामूहिक आदर्श शादी विवाह का आयोजन करना चाहा 18 मार्च का, उन्हें जैसे ही घोषणा की तो इन लोगों ने उसमें भी टांग घुसेड़ने चालू की, युवा मंडल के चुनाव की अफवाह उड़ाना चालू की और तरह तरह के व्हाट्सएप पर और समाज के ग्रुपों पर अमर्यादित वीडियो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी बात को लेकर मैंने जब संदीप साहू से बात की कि संदीप क्या है जी, तुम अपना काम तुम करो, युवा मंडल अपना काम करने दो, किसी के वो उसमें टीका टिप्पणी क्यों करते हो, तो इसी बात को लेकर वो एड़ाड़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि रुक जाओ हम बुला रहे। हमारा युवा एक मंडल युवा मंडल का साथी खड़ा था, उसी से उस गाली गलौज करने लगा और 10-12 लोगों को उसने फ़ोन करके बुला लिया। जब बुला लिया तो वहीं राह चलते
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और अच्छी खासी पहचान शहर में है। जब लोगों ने देखा कि यार जगन्नाथ भैया की क्या क्या कचड़ हो रही, तो वो राय चलते रुक गए और इनसे मारपीट की। उनको मैं भी नहीं जानता कितने लोगों ने मारपीट की। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की कि इसको ना लगल पाए, उसके बाद भी उस पर उसको चोट आ गई। और चूंकि हमारा विवाद चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया। कैसे मिला है, किन परिस्थितियों में मिला है, जे आज समाज में काम करने लगे, इनको कोई जानकारी नहीं है। सन 1990 से हम साहू समाज का काम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से यह भवन हम लोगों को सरकार से प्राप्त हुआ था। इसमें हमारे पूरे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री जी हों, इन सारे सभी लोगों से मैंने जन सहयोग से समाज की ताकत पर, मैंने अपने प्रयासों से, लेकिन समाज की ताकत मेरे साथ खड़ी थी। उस ताकत की दम पर हमने राशि एकत्रित की और आज साहू सामुदायिक भवन एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उसमें कहीं भी एक रुपए की हेरा फेरी नहीं हो रही है। इसका जो भी आया आता है बाकायदा उसका खाता खुला हुआ है, उस खाते में राशि जाती है। जैसे कि उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं कि खाते में पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। 2019 में इनने जो फर्जी तरीके से चुनाव किए थे, फर्जी तरीके से जब चुनाव किए तो इनने ट्रस्ट उस सामुदायिक भवन पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय का 10-12 लाख रुपया इनके पास है, उनका कोई हिसाब इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। और पिछले जब से मैंने काम किया है तब से कभी साहू समाज का ऑडिट नहीं होता था। मैंने 2018 तक का ऑडिट करा कर दिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि चुनाव कराया जाए? चुनाव कराया जाए और समाज की बात समाज में बैठ के करें। मेरे ऊपर कोई भी एक पैसे का आरोप सिद्ध कर देंगे तो समाज जो दंड देगी उसके लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।